दोस्तों, अगर आपके मन में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या कहीं पे भी यूरोप में जाने का इरादा है या वर्क परमिट में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ना सबसे पहले तीन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो हम सोचते नहीं हैं, जिसमें सबसे पहले पता है क्या है, आपका हौसला, आपका इरादा। एक्चुअली क्या होता है, लोग ना डर जाते हैं या घबरा जाते हैं। अब हम जिस फ्लाइट में आ रहे थे, वहाँ पे एक आदमी 40-50 की एज का था, वो घबरा गया और छोड़ के चला गया, 1.5 घंटा फ्लाइट लेट हो गई। तो इस तरह से जो हम बाहर जाते हैं या दूसरी कंट्री में जाते हैं या वे वर्क परमिट अप्लाई करते हैं ना, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है जो हम बात करते ही नहीं है, और वो है इरादा, आपका हौसला, आपके थोड़ी सी, आपको घबराहट ना हो। जो लोग घबरा जाते हैं या जो थोड़े से डर जाते हैं या जिनको थोड़ी सी हिम्मत नहीं होती है, वो ये काम नहीं कर सकते, वो बाहर नहीं जा सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा जो है एक्साइटमेंट आपको झेलनी आनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा फिक्र अगर आप नहीं झेल सकते, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है दूसरी कंट्री में जाके जॉब करना। दूसरा पॉइंट जो है वो है ट्रस्ट करना और थोड़ा सा रिस्क लेना। तो फेथ और रिस्क का मिक्सचर है। अगर आप किसी पे फेथ नहीं करोगे ना, थोड़ा सा भी फेथ नहीं करोगे, तो आप नहीं जा सकते। और अगर आप थोड़ा सा रिस्क नहीं ले सकते, तो भी नहीं आप जा सकते। तो जब तक पूरा वर्क परमिट नहीं लग जाता, तब किसी को नहीं पता होता, कोई नहीं जानता, ना आप जानते हैं, ना जो आपका वर्क परमिट लगा रहा है वो जानता है, जो प्रोसेस कर रहा है वो जानता है। एम्बेसी ने ही देना होता है वर्क परमिट, इसलिए आपको थोड़ा सा फेथ और थोड़ा सा रिस्क लेना ज़रूरी है। और तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है एक्शन। सिर्फ सोच लेने से कुछ नहीं होता है, आपको एक्शन भी लेना होता है। सिर्फ आप इरादे रखें और सिर्फ सोचते रहें, और आप अगर यही करते रहेंगे तो आप एक्शन नहीं लेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। रिस्क ले सकते हैं, लेकिन आप एक्शन ही नहीं लेंगे तो बात नहीं बनेगी। इसलिए दोस्तों, ये तीन जो पॉइंट्स हैं ना, ये बहुत ज़रूरी हैं। आपका एक तो इरादा जो है, हौसला जो है आपके अंदर होना चाहिए, आप थोड़ा सा फेथ और रिस्क लें, और तीसरा एक्शन। ये तीनों चीज़ें मैंने की हैं तो ही मैं दूसरी कंट्रीज ट्रैवल करूँगा, और इससे मैंने जो सीखा वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, जो कि सच में ज़रूरत होती है लोगों को। तो आप ये तीनों चीज़ें पहले अपने अंदर लाइए, उसके बाद आप सोचिए कि मुझे वर्क परमिट लगाना है कि नहीं लगाना है, करना है कि नहीं करना है, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया जाएँ, चाहे न्यूजीलैंड जाएँ, चाहे यूरोप जाएँ, चाहे दुबई जाएँ या दूसरी सऊदी अरब जाएँ, कहीं पर भी जाएँ। क्योंकि अब इसके बाद मैं न्यूजीलैंड जाऊँगा, न्यूजीलैंड के बाद मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा, तो वहाँ पर ये तीनों चीज़ें बेसिक जो है ना, ज़रूरत आपको पड़ेगी पड़ेगी। तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं, आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप सऊदी में करना चाहते हैं, दुबई में करना चाहते हैं, न्यूजीलैंड ट्राई कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं या यूरोप में, कहीं पे भी कर रहे हैं, ये तीनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये तीनों में से एक भी कमी है, तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने जो है अब रूल्स जो हैं सख्त कर दिए हैं। अगर आप विजिटर वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो आप जो है अब स्टडी वीज़ा कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, उसमें बहुत कम चांसेज होंगे। अब अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे हैं, तो स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे रूल्स होंगे, और इसके लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इसके अलावा भी दूसरे रास्ते होंगे, लूप होल्स हैं, तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं तो, या फिर टूरिस्ट वीज़ा पे जाके आप विजिटर वीज़ा पे जाके वहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहते हैं।